भारतीय राष्ट्र का निर्माता। वर्तमान युग हमसे पूछता है कि भारतवर्ष में उसके पवित्र संदेशों को कौन सुनेगा, राष्ट्र निर्माण के पुण्य कार्य में किसकी शक्तियां अग्रसर होगी। किसी देश की सच्ची संपत्ति उसके हीरे और जवाहरात नहीं, किसी देश की सच्ची संपत्ति उसके हीरे और जवाहरात नहीं, उसका बल बड़े बड़े नामों और बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में वास नहीं करता। देश की सच्ची संपत्ति है उसके वे युवक और युवतियां जिनके शरीर की आभा में प्रकृति का सबसे अधिक स्पष्ट दर्शन होता है और जिनके हृदय में उदारता और कर्मण्यता, सहिष्णुता और अदम्य साहस के स्त्रोत्र का प्रवाह अपने पूरे जोरों पर है। भारतवर्ष की खेती के सर्वस्व भी यही होनहार नव विकसित पुष्प हैं। माता के चरणों में चढ़ाए जाने वाले पुष्पों में उच्च और नीच वर्णों के भेदभाव की तनिक भी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल श्रद्धा के भाव की। और कौन कह सकता है कि इस समय भी, जब प्रखर विपत्तियों ने भारतवर्ष की सरसता और जीवन को शुष्क कर दिया है, इस भूमि के दीनहीन निवासियों के हृदयों में श्रद्धा स्त्रोत्र का प्रवाह बिल्कुल ही रुक गया है। आज भी इसी भूमि के लाखों निवासी केवल श्रद्धा के भाव से प्रेरित होकर कठिन से कठिन व्रत और तपस्या के कार्य में रत देखे जाते हैं। नितांत निर्जीविता और श्रद्धाहीनता इन लीलाओं को कदापि नहीं दिखा सकती। श्रद्धा के ये स्त्रोत्र अधिकतर उसर भूमि की ओर बह रहे हैं। इनकी गति के पलट जाने भर की आवश्यकता है। उनसे किसी परिवर्तन की आशा करना व्यर्थ है, जिनकी सारी आयु एक से कम काम में ही व्यतीत हुई। परंतु देश के युवकों के लिए यह काम कठिन भी नहीं। परिस्थिति के अनुसार उनके हृदय मुड़ सकते हैं और वे उन्हें भली भांति मोड़ सकते हैं। देश के युवकों, देश का भावी कल्याण केवल तुम्हारी गति पर निर्भर है। यह व्यर्थ है कि तुम्हारे सामने यह प्रश्न उपस्थित करो कि वर्तमान युग के संदेशों को सुनकर उसके अनुसार कार्य करोगे या नहीं, क्योंकि तुम्हारे हृदयों में यदि तनिक भी उष्ण रक्त है, रक्त की यह उष्णता चाहे किसी पूर्व गौरव या भावी आशा के कारण हो या केवल युवावस्था के कारण हो, तुम इस प्रश्न के कोई दो उत्तर नहीं दे सकते। कर्म क्षेत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। देश का नाम रहते हुए भी यदि तुम उसके कल्याण के लिए आगे बढ़ने में सोच विचार कर रहे हो, तो तुम विश्वास करो कि तुम अपने पवित्र हृदय को धोखा दे रहे हो। और तुम्हें युवक के नाम से संबोधित करना पवित्र और क्रियाशील युवावस्था को कोसना है। युवक, जब तुम एक बार अपने हृदय में कर्म क्षेत्र में आना निश्चय कर लोगे, तब तुम अपने देश की प्राचीन धरोहर और सफलता के मूल मंत्र के विश्वास के भाव को अपनाने से भूल न जाना। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक विभाग पर और तुम्हारी क्रियाशीलता के प्रत्येक फल पर विश्वास के भाव की मुहर जोर से अंकित है। इस भाव के बिना जान रखो, तुम इस महापथ के पथिक नहीं बन सकते। तुम्हें विश्वास हो अपने कार्य की महत्ता और पवित्रता पर, उसकी सत्यता और शुद्धता पर, और तुम्हें विश्वास हो अपने देश के महान भविष्य पर। तुम्हारा हृदय पग पग पर साक्षी दे कि तुम्हारे जिस देश ने प्राचीन काल में संसार की सभ्यता को आगे बढ़ाने में इतना बड़ा भाग लिया है, वह और उसके निवासी काल चक्र के कठोर दबाव से आज तक इसलिए बचे हुए हैं कि उन्हें मानव कल्याण के यज्ञ में बड़ी और अंतिम आहुति डालनी है। धर्म के रूप में विश्वास ने अपनी पूरी कलाओं के दर्शन संसार को दिए हैं। तुम संसार को यह अवसर दो कि वह तुम्हारे कर्म के अंतर्गत विश्वास की पूर्ण रश्मियों की नई आभा से अपना अंधकार दूर करे। इस विश्वास के साथ तुम अपने मार्ग का निर्णय करो। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो, तुम्हारा सिद्धांत दृढ़, तुम्हारा कार्य उनका साथी हो। बीच के रास्ते तुम्हारे लिए नहीं है। सामयिक तूफानों के सामने सिर झुका देना तुम्हारा काम नहीं है। विश्वास के पथ और इन पथों में कोई संबंध नहीं। सामयिक और क्षणिक लाभों के प्रलोभन तुम्हें पथ से न हटा सके और शक्कर लपटी विषैली आकर्षक नीति तुम्हारी कर्मण्यता पर छापा न मार सके। याद रखो, तुम्हारी शक्तियां केवल एक महान कार्य के नाम अर्पित है, इसलिए तुम्हें उन कामों में पड़ने की आवश्यकता नहीं जिनमें उनका विनाश है। सत्व लोगों के लिए बड़ा ही प्रिय शब्द है। स्थान स्थान पर उसकी महिमा गाई जाती है और उसके लिए बहुत हाथ पैर मारे जाते हैं। तुम इस भ्रम से बचो कि सत्व स्वतंत्र रीति से अपना कोई भी रूप रखता है। कर्तव्य सत्वों का जन्मदाता है। जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, उसे सत्व की दुहाई देने तक का कोई सत्व नहीं।
और जो अपने कर्तव्य की ओर पूरी दृष्टि रखेगा उसके स्वत्व को कोई बड़ी से बड़ी निरंकुश शक्ति भी छीन नहीं सकती। पराधीन देशों के लिए स्वत्व बड़ा ही आकर्षक शब्द है, परंतु स्वत्वों की भिक्षा कहीं भी नहीं मिला करती, कर्तव्य बल से ही वे प्राप्त होते हैं। स्वत्वों की मृत तृष्णा से तुम्हें बचने की आवश्यकता इसलिए भी है कि यदि तुम उसके पीछे भागते फिरोगे तो तुम्हारी शक्तियां केवल बट ही न जाएगी वरन वे क्षीण हो चलेंगी। तुम्हारा काम केवल पड़ा ही न रह जाएगा वरन उसका होना सदा के लिए रुक जाएगा। स्वत्वों की अभिलाषा तुम्हें काम करने वालों के स्थान पर बातूनी बनाकर छोड़ेगी। तुम्हारी जिस शक्ति से अज्ञान का अंधकार दूर होता और देश के अगणित झोपड़े देश के सच्चे मंदिरों में आलोक की रेख अंकित होती, तुम्हारी जिस शक्ति से तुम्हारा मानसिक बल बढ़ता और विजय लक्ष्मी तुम्हारे चरणों को चूमती, वही शक्ति केवल आलोचना और तर्क में लगकर माता की कोई सेवा किए बिना ही उसर भूमि में विलीन हो जाएगी। निस्संदेह तर्क मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, परंतु अधिक तर्क हृदय को मैला और निष्क्रिय बनाए बिना नहीं रहता। उससे कार्य शक्ति क्षीण पड़े बिना नहीं रह सकती और उससे मिलकर कार्य करने में जिस उदारता की आवश्यकता है उसका विनाश हुए बिना नहीं रह सकता। युवकों, तुम्हारी और तुम्हारे पूर्वजों की जननी तुम्हारी वह कार्यस्थली जो परमात्मा ने तुम्हें दी है और तुम्हारी वह शिक्षिका जिससे तुमने यह भाषा पाई और जो सबसे पहले तुम्हारी जिम्मा से निकली आज तुमसे सेवा का व्रत चाहती है। गणेश शंकर विद्यार्थी, चुनी हुई रचनाएं।